बच्चों जय जोहार। मैं लूनेश कुमार वर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछानपरी जिला रायपुर से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 8वीं विषय हिंदी को लेकर। प्यारे बच्चों आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पाठ 4 जिसका शीर्षक है पचराही। प्यारे बच्चों आप भारत की संस्कृति के विषय में जानते हो। भारत की संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता। यही अनेकता में एकता यह विशेषता दिखाई देती है हमारे अपने राज्य छत्तीसगढ़ में। प्यारे बच्चों जुन्ना जुगमा छत्तीसगढ़ला दक्षिण कोसल के नावले जाने जाए ये बात के प्रमाण जुन्ना पोथी मा मिलते। छत्तीसगढ़ के इतिहास लिखैया मन घलो यही बात ल मानते। छत्तीसगढ़ के भूइया मा जुन्ना सभ्यता और संस्कृति के कतको प्रमाण लुकाए है ये जगह जगह देखे जा सकते। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति के। तो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है इसके विषय में मैंने कहा कि यहाँ अनेकता में एकता दिखाई देता है और यह प्राचीन संस्कृति है। प्राचीन काल में हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से भी जाना जाता था और इस बात का प्रमाण हमें विभिन्न पोथियों में देखने को मिलता है और इस बात को जो इतिहासकार हैं वे भी स्वीकार करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं सभ्यता के प्रमाण छत्तीसगढ़ की धरती में जगह जगह मिले हैं और ये कैसे मिले हैं ये सभी प्रमाण जो हैं लुकाए हुए थे छिपे हुए थे। लुकाए मतलब होता है छिपे हुए। तो छिपे हुए हैं आज इतिहासकार और पुरातन सभ्यता के जानकार मन ऐसन महत्तम के जगह जमीन ला खनवा खनवा के प्रमाण मन ला बाहिर निकालत हैं। पचराही घलो ऐसने प्रमाण वाला जगह आए जिहाँ के खोदई मा मिले जिनिस मन छत्तीसगढ़ के इतिहास सभ्यता और संस्कृति ला गजब जुन्ना सिद्ध करत है। तो यहाँ के जो इतिहासकार हैं वे छत्तीसगढ़ के देखिए इतिहास का पता कैसे चलता है किसी भी स्थान का हमको पता करना हो तो इसके लिए हमें पुरातत्व विभाग की मदद लेने की आवश्यकता होती है। जब हम किसी स्थान विशेष के इतिहास की बात करते हैं तो उस स्थान के इतिहास की बातें जो हमें प्राप्त होती हैं उनको सिद्ध करने में पुरातत्व विभाग का अहम योगदान होता है। पुरातत्व विभाग क्या करता है धरती में जो सदियों से दबी पड़ी हुई चीज़ें हैं इनको ये पुरातत्व विभाग के लोग खोद खोद कर बाहर निकालते हैं और धरती में दबी हुई उन चीज़ों के माध्यम से जो मानव सभ्यता है उसके विषय में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें उपलब्ध कराते हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में स्थान स्थान में इस तरह के जो पुरातत्व विभाग के लिए आवश्यक जो तत्व प्राप्त होते हैं वे छत्तीसगढ़ में स्थान स्थान में हैं। तो विभिन्न स्थानों से इन्हें खोद खोद कर निकाला गया है। खनवा खनवा के मतलब खोद खोद कर इसको प्रमाण के रूप में निकालते केवल कहने से काम नहीं होता है। यदि हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें सिद्ध करना होता है और सिद्ध कैसे करेंगे उसको सिद्ध करने के लिए धरती से जो प्राप्त हुई चीज़ें हैं पुरानी चीज़ें हैं जिनसे मानव सभ्यता का पता चलता है इन चीज़ों के आधार पर हम उस स्थान में मानव सभ्यता के रहने के विषय में कोई ठोस बात कह सकते हैं। तो ऐसे ही पचराही छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं चित्र में आप देख रहे हैं पचराही ऐसा ही पुरातत्व युक्त स्थान है जहाँ से प्राचीन चीज़ें प्राप्त हुई हैं। यहाँ जब खुदाई किया गया तो वहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वे चीज़ें छत्तीसगढ़ के इतिहास सभ्यता और संस्कृति को गजब जुन्ना सिद्ध करते हैं। गजब जुन्ना मतलब गजब मतलब होता है बहुत जुन्ना मतलब होता है पुराना। तो पचराही में जो खुदाई हुआ है और इस खुदाई से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं इससे हमारे छत्तीसगढ़
के इतिहास और संस्कृति जो है प्राचीन काल से है, इस बात का प्रमाण वहाँ से मिला है, यह बात वहाँ से सिद्ध होती है। छत्तीसगढ़ के धरती है कला संस्कृति पर जग जाहिर है। यहाँ कतको ठौर मा तइहा युग के मंदिर किला महल खड़े हवय। कतकोन मंदिर मन जस के तस हे त कतको है खंडहर रूप मा। देखिए विभिन्न कला संस्कृतियाँ समय समय पर चलती रहती हैं, सतत प्रवाहमान होती। कला और संस्कृति जो है ये परंपरा से हमें प्राप्त होती हैं और इसके प्रमाण हमें विभिन्न स्थानों पर जो विभिन्न मूर्तियां हैं, किले हैं या महल हैं, इनके आधार पर प्राप्त होता है। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ के स्थान स्थान में जो विभिन्न मंदिर किला महल आदि हैं ये अलग अलग स्वरूप में मिलते हैं। कहीं पर तो ये यथावत रूप में मिलते हैं, जैसे कि तैसे मिलते हैं, और कहीं कहीं ये खंडहर के रूप में मिलते हैं। जग जाहिर का मतलब होता है विश्व प्रसिद्ध और खंडहर का मतलब होता है खंडहर। तो ऐसे ही जो प्राचीन नगर हैं उनमें राजिम, शिवरी नारायण, सिरपुर, मल्हार, ताला, रतनपुर, डीपाडीह, भोरमदेव, घटियारी, बारसूर, दंतेवाड़ा, ये सब हमार कला संस्कृति के आगाज दिया है, जेकर अंजोर दुनिया में बगरत है। आगाज दिया कहते हैं आकाश दीप को, और बगरत है का मतलब होता है फैल रहा है, अर्थात अभी ये जितने चित्र आपने देखा, जितना नाम मैंने अभी कहा, ये सभी हमारे छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के प्रकाश को, अर्थात इसकी ख्याति को, इसकी प्रसिद्धि को, इसके नाम को पूरे संसार में क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं, बगरा रहे हैं। तो ये सभी नगर जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्राचीन और ऐतिहासिक राज्य हैं, इनसे इतिहास से संबंधी महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की कला और संस्कृति के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। पुरातत्व और कला संस्कृति के नवा ठौर कबीरधाम जिला मा पचराही मा मिले हे। पुरातत्व जगत मा एकर गजब शोर उड़त है। देखिए छत्तीसगढ़ में देखते हैं विभिन्न जिला हैं, बहुत से जिला हैं, उनमें से कबीरधाम एक है, और उस कबीरधाम में पचराही नामक यह स्थान है, यह पुरातत्व की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, और वहाँ की जब खुदाई किया गया है तो वहाँ से बहुत सी कीमती चीज़ें प्राप्त हुई हैं, कीमती मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनसे छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति के विषय में विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। पुरातत्व कहते हैं प्राचीन अवशेष को, और पुरातत्व विभाग कहते हैं प्राचीन अवशेषों के अध्ययन के लिए जो विभाग बना है वो कहलाता है पुरातत्व विभाग। पचराही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला मुख्यालय ले भंडार बाजू मा लगभग 45 किलोमीटर दूरिया हाफ नदिया के तीर मा मैकल पर्वत के कोरा मा बसे है। मैकल पर्वत आप देख रहे हैं चित्र में, इसके बाजू में, इसके बगल में ये पचराही गांव है। पचराही है नान कुन गांव आए, सियान मन कहते हैं कि यहाँ ले पांच राह माने रास्ता, जिन्हें रद्दा भी कहे जाते हैं, रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव जिसको समय पहले चौरागढ़ भी कहा जाता था, और लांजिका, लांजी बर निकले हैं, तेकर सिति एकर नाव पचराही पड़े हैं। पचराही देखिए किसी स्थान का नाम जैसे पड़ता है तो कोई ना कोई विशेषता उसके नाम के साथ में होती है, ऐसे ही पचराही जिस स्थान को कहा जाता है उस स्थान का नाम जो है
उस स्थान से पांच अलग अलग स्थानों के लिए निकलने वाले रास्तों के कारण पड़ा है। अर्थात पांच रास्तों का जहां पर समूह है, पांच रास्ते आपस में जहां पर आकर मिलते हैं, वो पचराही कहलाता है। जैसे आप समास पढ़ते हैं तो समास में देखेंगे पचराही, इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा क्या, हाँ, पांच राहों का समूह, ये कहलाएगा पचराही। तो यहां पर एक शब्द आया है भंडार। भंडार किसको कहते हैं? हाँ, भंडार का प्रयोग छत्तीसगढ़ में दिशा के लिए किया जाता है, और भंडार कहते हैं उत्तर दिशा को। जैसे चार दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं? उत्ती, बूढ़ती, रक्षहू और भंडार, ये चार दिशाएं होती हैं। तो कबीरधाम जिला के उत्तर दिशा में 45 किलोमीटर दूर हाफ नदिया के तीर में मैकल पर्वत के कोरा में ये पचराही जो है बसा हुआ है। कोरा कहते हैं गोद को। कतको के ऐसन घलो कहना है कि यहां कंकाली मंदिर रही से, जेन हा देवी रूप आए तो यहां पचरा गीत गाए जाए, तेकर सेती एकर नाव पचराही धराए है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पांच रास्ते यहाँ पर आकर मिलते हैं इसलिए इसको पचराही कहा जाता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पहले कंकाली मंदिर था और वहाँ पर जैसे हम जस गीत गाते हैं, जमारा गीत गाते हैं, उसी तरह से यहाँ जो कंकाली मंदिर था और उस देवी के लिए पचरा गीत गाया जाता था, इस कारण से इस स्थान का नाम पचराही पड़ा, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। पचराही के नाव चाहे कोनो आधार में धराय होए, फिर ए तइहा जुगमा व्यापार के बड़ भारी केंद्र रहिस हे, आज यहाँ के खंडहर ले मिले तइहा जुग के जिनिस मन अपन कहानी संहत कहत हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पचराही के नाम के विषय में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं, नाम का आधार चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इतिहास से यह बात सिद्ध होता है कि तइहा युग में अर्थात पहले के युग में यह जो स्थान है पचराही, ये व्यापार, व्यापार व्यापार कहते हैं व्यापार को, ये व्यापार का बड़ा केंद्र था, ये इतिहास से सिद्ध हुआ है। आज यहां जो खंडहर प्राप्त हुआ है और वे जो खंडहर हैं, वे खंडहर तइहा युग के अर्थात प्राचीन काल की कहानी स्वयं ही कह रहे हैं। ये जो खंडहर आप देख रहे हैं ना, इससे छत्तीसगढ़ की जो प्राचीनता है वो सिद्ध होती है, यहाँ मानव पहले रहते थे वो सिद्ध होता है, और उस समय जो लोग रहते थे वो किस तरह की कला और संस्कृति को मानते थे, किस तरह की सभ्यता को मानने वाले थे, किस तरह की सभ्यता उस समय चलती थी, ये चीजें उस खंडहर से पता चलता है। नगर बसाहट के खंडहर के संग यहां वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म ले जुड़े देवी देवता के मूर्ति आप देख भी पा रहे हैं। वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां, शाक्त धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां, और ऐसे ही जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई हैं। तो नगर बसाहट के खंडहर के संग यहां वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म ले जुड़े देवी देवता के मूर्ति और मंदिर के जानकारी मिले हैं, जेकर निर्माण 9वीं ईस्वी ले 13वीं ईस्वी सदी तक के काल मां अनुमानित है। ऐतिहासिक साहित्य मां ये क्षेत्रला पश्चिम दक्षिण कौशल के नाम ले जाने जात रहिस। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, लेकिन यह जो क्षेत्र है पचराही, इस क्षेत्र को पश्चिम दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। और देखिए यहां पर शब्द आया है वैष्णव। वैष्णव किसको कहते हैं? जो लोग विष्णु की उपासना करते हैं, अर्थात जो विष्णु को मानने वाले लोग होते हैं, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। तो वैष्णव का तात्पर्य विष्णु उपासक, और ऐसे ही कहा गया है शाक्त।
शाक्त का तात्पर्य होता है जो लोग शक्ति की अर्थात देवी की उपासना करने वाले होते हैं वे शाक्त कहलाते हैं। ऐसे ही जैन धर्म अर्थात जो जैन धर्म को मानते हैं वे लोग जैन धर्म को मानने वाले कहलाते हैं, और उनसे संबंधित मूर्तियां भी हमें इस पचराही के खंडहर से प्राप्त हुआ है। प्रदेश बने के बाद अर्थात छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद यहां कुछ ऐतिहासिक ठौर में खुदाई के काम शुरू होइस। पुरातत्व खुदाई के बूता ला शासन ह महत्वधीश जेकर ले नवा प्रदेश के पुरातात्विक और सांस्कृतिक तिथि क्रम के नवा झलक मिलना शुरू हो गए हैं। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिकता को सामने लाने के लिए पुरातत्व विभाग के द्वारा स्थान स्थान पर जहाँ जहाँ प्रमाण मिला कि हाँ यहाँ से कुछ चीज़ें पुरानी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, जहाँ टीला रहा है ऐसे स्थलों की खुदाई करना प्रारंभ किया गया और इसको शासन ने महत्व दिया। तो ऐसे ही पुरातात्विक और सांस्कृतिक तिथि क्रम के नमक झलक झलक जो है यहाँ से मिलना प्रारंभ हुआ। अर्थात यहाँ से जब खुदाई करना प्रारंभ किया गया तो वहाँ से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई, जो खंडहर प्राप्त हुए, जो मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए, इनसे यहाँ छत्तीसगढ़ की जो पुरातत्व की दृष्टि से या कहें कि इतिहास की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जो यहाँ की संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इनकी एक नई झलक मिलना यहाँ से प्रारंभ हुआ। प्यारे बच्चों, यहाँ एक शब्द आया है ठौर। ठौर का मतलब होता है स्थान या ठिकाना। संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व डहरले पचराही में वर्ष 2007 ले खुदाई के काम सरलग चलत है। खुदाई ले प्रागैतिहासिक काल ले मुगल काल तक के अवशेष मिले हैं। अर्थात जब संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की ओर से 2007 से लगातार, सरलग मतलब होता है लगातार, से लगातार खुदाई का काम चल रहा है, और ऐसे खुदाई करने से प्रागैतिहासिक काल से लेकर मुगल काल तक के अवशेष जो हैं इन खुदाई से प्राप्त होने शुरू हुए हैं। पचराही स्थापत्य और शिल्प कला के बहुत बड़े केंद्र रही थे जौन हाँ राजनीतिक स्थायित्व और धार्मिक समरसता के प्रतीक माने जा सकते हैं। देखिए स्थापत्य कला किसको कहते हैं, स्थापत्य कला कहते हैं भवन निर्माण की कला को। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्थापत्य कला और भवन निर्माण कला दोनों में थोड़ी सी भिन्नता भी है। जब कोई भवन साधारण रूप से बनाया जाता है तो वह केवल भवन कहलाता है, लेकिन वह भवन यदि कुछ कलाकारी युक्त किया जाए तो वो स्थापत्य का नमूना कहलाता है। जैसे आप चित्र में देख भी पा रहे एक साधारण भवन, इसको हम भवन निर्माण की कला कहेंगे, लेकिन स्थापत्य कला किसको कहेंगे, ऐसा भवन जिसमें चित्रकारी किया हुआ, जो कलाकारी किया हुआ, जिसमें विभिन्न आकृतियां जैसे बनी हुई होती हैं, इस तरह के जो भवन होते हैं इन्हें हम स्थापत्य कला का नमूना कह सकते हैं। ऐसे ही शिल्प कला, शिल्प कला का तात्पर्य होता है मूर्ति बनाने की कला से। स्थायित्व का मतलब होता है ठहराव, और समरसता का तात्पर्य होता है समानता। तो स्थायित्व और समरसता कब आएगी, जब राजनीतिक रूप से अधिक उथल पुथल ना हो, लोग जिस धर्म पर विश्वास करते हैं उस धर्म के मानने वाले लोग अन्य धर्मों का भी समान रूप से आदर करते हों, अर्थात एक दूसरे के धार्मिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न करते हों, धार्मिक प्रतीक स्थल जो हैं ऐसे स्थलों की तोड़फोड़ नहीं करते हैं, तभी इस तरह के स्थायित्व और समरसता जो है स्थापित हो सकता है। इसके लिए राजनीतिक और धार्मिक दोनों की दृष्टि से यहाँ समरसता की स्थिति सदियों से रही है, यह प्रमाणित होता है पचराही के खंडहरों से जो अवशेष प्राप्त हुए। पाछू साल के खुदाई ले दो जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं, जेमा ले एक जीवाश्म मौलुस्का घोंघा परिवार के आए और दूसर है पाइला परिवार के आए। देखिए जीवाश्म किसको कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं हजारों वर्षों से मिट्टी में दबे प्राणियों अथवा वनस्पतियों के अंश जिनमें कार्बनिक तत्व प्राप्त होता है, ये जीवाश्म कहलाते हैं। और मौलुस्का कहते हैं घोंघा की यह एक प्रजाति, जैसे आप घोंघा जानते हैं, घोंघा देखे हैं आपने,
तो उसी घोंघा की एक प्रजाति है मौलुस्का। और पाइली, पाइली कहते हैं सीप को, जिसे सुतई भी कहा जाता है। ये आप जैसे कि नदियों में आप देखते हैं छोटे छोटे सीप आपको देखने को मिलता है, ऐसे ही आप तालाब में देखते हैं, तालाब में देखते हैं तो वहाँ बड़े आकार के तालाबों में या खेतों में हमको देखने को मिलता है, वहाँ बड़े आकार के सीप देखने को मिलता है। वैज्ञानिक मन के मुताबिक मौलुस्का जीवाश्म के काल लगभग 13 करोड़ वर्ष है। भारत में पहली बेर खुदाई ले ये जलीय प्राणी के जीवाश्म पचराही में मिले हैं। मुताबिक मतलब होता है अनुसार। देखिए वैज्ञानिक क्या कहते हैं, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये मौलुस्का जो है ये इतिहास में 13 करोड़ पहले हुआ करते थे, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। और भारत में अभी तक जितने स्थानों की खुदाई हुई है उनमें से पचराही में सबसे पहले ये मौलुस्का प्राप्त हुआ है। अर्थात ये छत्तीसगढ़ के इतिहास को बताता है कि इतने करोड़ वर्ष हमारा यह छत्तीसगढ़ रहा है। और ये पचराही का इतिहास, पचराही से जो खुदाई हुआ है, वहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, वे इस बात को सिद्ध करते हैं। एक और संगे संग पचराही माँ आदि मानव के रहवास घलो रहे हैं, जिहां ले उत्तर पाषाण काल और मेसोलिथिक काल के बारीक औजार मिले हैं। हाँप नदिया के तीर गांव बकेला ले गजब अकन जुन्ना पत्थर के औजार मिले हैं, जेन्हा छत्तीसगढ़ के सबले बड़का जुन्ना पत्थर के औजार बनाए के जगह साबित हुए हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनसे यहाँ से उत्तर पाषाण काल और आदि मानव के रहने के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ प्राचीन काल में आप जानते हैं कि लोग जो है पत्थर से औजार बनाते थे, तो जुन्ना पत्थर के औजार, अर्थात जुन्ना मतलब होता है पुराना और पत्थर मतलब होता है पत्थर, तो पुराने पत्थर के औजार बनाने के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इन सबसे यह पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का यह जो स्थल है पचराही, जुन्ना पत्थर से औजार बनाने का पुराना जगह सिद्ध होता है इस पचराही के खंडहरों से प्राप्त अवशेषों से। गजब दिन के पाछू सोमवंश काल में पचराही फेर आबाद होइस। यही बेरा में कंकालीन नाव के ठौर में सुरक्षा के हिसाब ले 2 ठन परकोटा घेर के मंदिर के निर्माण करेगीस। यहाँ खोदई ले ईटा के बने मंदिर मिले हैं। संग में सोमवंशी काल के पार्वती और कार्तिक के पट मूर्ति घलो मिले हैं। देखिए प्राचीन काल राजा महाराजाओं का समय रहा है। एक राज्य को हड़पने के लिए दूसरा राजा जो है उस राज्य पर आक्रमण करता था। इस तरह की स्थितियां होती रहती थी। ऐसे में कोई स्थान कभी आबाद होता था, कभी बर्बाद होता था। तो वैसे ही गजब दिन के बाद, बहुत दिनों के बाद सोमवंशी काल जब आया उस समय पचराही फिर से एक बार आबाद हुआ। और तब कंकालीन नाम के एक स्थान में सुरक्षा के हिसाब से 2 ठन परकोटा अर्थात 2 चहार दीवारियों से मंदिर का निर्माण किया गया। अर्थात मंदिर को 4 दीवारियों से घेर दिया गया। खोदाई के पहले ये टीला में सोमवंशी काल के द्वार तोरण और कतकोन मूर्ति रखाए रही है, जेन हाँ अब खैरागढ़ संग्रहालय में रखाए है। तो पहले यह एक टीला के रूप में था, और जब इस स्थान की खुदाई की गई तो यहाँ से अनेकों मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिसको एक टीला में रखा गया था। और बाद में फिर इनको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रहे इसको खैरागढ़, आप जानते हैं वहाँ बहुत प्रसिद्ध स्थल है खैरागढ़, तो खैरागढ़ के संग्रहालय में यहाँ से जो प्राप्त मूर्तियाँ हैं उनको रखा गया है। सोमवंशी काल के पाछू पचराही है कलचुरी काल में घलो आबाद रहीस। यहाँ ले पहली बेर कलचुरी राजा प्रताप मल्ल देव के सोन के सिक्का मिले हे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2 ठन सोन के सिक्का मुद्रा रतन देव के हे। जाजल देव और पृथ्वी देव के घलो चांदी के सिक्का मिले हैं।
प्यारे बच्चों, इतिहास की दृष्टि से ये जो मुद्राएं होती हैं, जो सिक्के होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जो सिक्के होते हैं किस काल के हैं ये तो पता चलता है, साथ साथ उस काल की समृद्धि आदि की भी वे सूचक होते हैं। आज भी आप जिन सिक्कों को देखते हैं, जो सिक्के आप देख रहे हैं, इनसे भी आज के समय के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। वैसे ही सोमवंशी काल के बाद में कलचुरी काल में जितने राजा हुए हैं, उनके जो सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो मिले हैं, ये अपने समय के कला एवं संस्कृति के विषय में भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती हैं। कलचुरी काल के पाछू पचराही ऊपर फणी नागवंशी राजा मन अपन कब्जा जमा लेन आउ ये ठौर मा मंदिर औ महल बनवाइन। इहां ले पहली बेर फणी नागवंशी राजा कन्हर देव के सोन के सिक्का मिले है। संगे संग दूसर औ फणी नागवंशी राजा जैसे श्रीधर देव, जसराज देव के घलो चांदी के सिक्का मिले हैं। और ये सब हम सब के लिए अत्यंत गौरव की बात है, हमारे प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। एकर पाछू मुगल काल के समय तक पचराही बड़ महत्तम के व्यापारी ठीहा रहे हो ही, काबर की यहाँ ले मुगल काल के एक दर्जन सिक्का मिले हैं। व्यापारिक का मतलब होता है व्यापारिक। देखिए, अब ये तो हो गए इतिहास की बातें। अब जब मुगल काल मध्य काल में जब आते हैं, तो मध्य काल में यहाँ छत्तीसगढ़ में मुगलों का राज था, तो उस समय के जो मुगल थे उनके सिक्के भी इस पचराही से हमें प्राप्त हुए हैं। जो मुगल काल में पचराही की वैभव संपन्नता को प्रदर्शित करती हैं। पचराही है 11वीं 12वीं ईस्वी माह शिल्प और वास्तुकला के बड़ महत्तम वाले सांस्कृतिक केंद्र और बड़ व्यापारिक ठौर रहिस है। मंदिर मूर्ति के छोड़े यहाँ आम और खास मनखे के बसावट के अवशेष मिले हैं। आप देख सकते हैं चित्र में, न केवल यहाँ पर कला और संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, अभी तो यहाँ लोग रहते हैं, लोगों की बसावट थी, लोगों की बस्तियां यहाँ थी, इस बात के अवशेष भी यहाँ प्राप्त होते हैं। यहाँ न केवल खास लोग रहते थे, न केवल राजा महाराजा लोग रहते थे, अभी तो आम लोग, आम मतलब होता है सामान्य लोग भी यहाँ, राजा महाराजा तो रहते ही थे, साथ ही साथ सामान्य लोगों भी यहाँ बसते थे, इसके अवशेष हमें यहाँ पचराही से प्राप्त हुए हैं। सुरक्षा दीवार के भीतरी खास मनखे के रहे के ठौर के संग यहाँ ले सोन चांदी और तांबा के सिक्का मिले हैं। तामा कहते हैं तांबा को। जबकि परकोटा के बाहर आम नागरिक राहत रहिन होही, जिहां ले कुम्हार और लोहार मन के उपयोग के जिनिस के अवशेष अब बड़ कन मिले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं हम सब के लिए, कि सुरक्षा जो दीवार था जिसको हम किला कहते हैं, उसके भीतर खास लोग रहते थे, अर्थात राजा महाराजा लोग रहते थे, और परकोटा के बाहर अर्थात चहार दीवारी के बाहर, चहार दीवारी आप जो देख रहे हैं इसके बाहर सामान्य लोग रहा करते थे। और इन सामान्य लोगों में कुम्हार और लोहार, कुम्हार क्या करते हैं, ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, आप देख रहे हैं, तो मिट्टी के बर्तन के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही लोहार लोग रहते हैं। लोहार किसको कहते हैं, जो लोहा का कार्य करते हैं, जो टंगिया बसला आदि बनाने का कार्य करते हैं, हंसिया जो होता है इसमें धार करने का कार्य करते हैं, अर्थात लोहा से संबंधित जो कार्य करने वाले हैं वे लोहार कहलाते हैं। तो ऐसे कुम्हार और लोहार के द्वारा जो उपयोग किए हुए चीज़ हैं, इनके अवशेष जो हैं उस चहार दीवारी के बाहर प्राप्त हुआ है। तो प्यारे बच्चों, चहार दीवारी के बाहर जो सामान्य लोग हुआ करते थे, जिनमें कुम्हार लोहार हैं, ऐसे लोग रहा करते थे, इनके अवशेष जो हैं हमें यहाँ से पचराही के खंडहरों से प्राप्त हुए हैं। ठौर का मतलब होता है स्थान या ठिकाना। इन्हें चले लइका मन के खिलौना, माटी के माला और रोज रोज बउरे के जिनिस जैसे लोहा तामा के औजार और गहना गुठा मिले हैं। पचराही
परिक्षेत्र क्रमांक 4 मा पंचायतन शैली के संगे संग राजपुरुष उमा महेश्वर के बड़ सुघर मूर्ति मिले हैं। देखिए आप सब भी मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं ना, हाँ वैसे ही उस समय के लोग भी जो छोटे छोटे खिलौने बनाया करते थे, वो खिलौने जैसे भंवरा बाटी खेलते हैं उसी तरह से जिन चीज़ों का उपयोग आज हम करते हैं, वैसे ही उस समय के लोग जिन चीज़ों का उपयोग करते थे वो सारी चीज़ें, मिट्टी के, लोहा के, तांबा के जो औजार होते हैं ये भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ वहाँ उमा महेश्वर और राजपुरुष की सुघर मूर्ति भी पचराही क्षेत्र क्रमांक पचराही परिक्षेत्र के क्रमांक 4 में पंचायतन शैली के ये मूर्तियाँ जो हैं प्राप्त हुई हैं। पंचायतन कहते हैं मंदिर निर्माण की शैली को, तो मंदिर निर्माण की जो शैली है उसमें ये मूर्तियाँ राजपुरुष और उमा महेश्वर की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। पचराही क्षेत्र क्रमांक 5 में 3 परकोटा है जौन हा खालहे के पखना के ऊपर लगभग 100 मीटर लंबा 50 मीटर चाकर ईटा के बने पर्दा आए, आप चित्र में देख भी पा रहे हैं। महल में ऊपर जाए बर सीढ़िया के अवशेष आजो देखब म आत है, अर्थात इन चीज़ों को आप चित्र में तो देख ही रहे हैं, आपको कभी वहाँ पचराही जाना हो तो आप वहाँ जाकर इन चीज़ों को देख भी सकते हैं, इनके अवशेष आज भी वहाँ विद्यमान हैं। आजों का मतलब होता है आज भी। पचराही में अभी तक 6 मंदिर के अवशेष मिले हैं। जी हाँ ले, हाँ ये 6 मंदिर के अवशेष आप देख रहे हैं, अवशेष आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ये अवशेष कुछ मंदिर जो है भगना अवस्था में हैं, कुछ खंडहर के रूप में हैं, तो इस तरह के अवशेष जो हैं वहाँ पचराही से जो मिले हुए हैं। जी हाँ ले, सुघर सुघर कलात्मक मूर्ति मिलत है बकेला हाफ नदिया के ओ पार। बकेला गांव के टीला में जैन मूर्ति के शिल्पखंड देखे जा सकते हैं, जे माँ धर्मनाथ शांतिनाथ और पार्श्वनाथ के खंडित मूर्ति माढ़े हैं, जिसको आप चित्र में देख भी पा रहे हैं। धर्मनाथ के, शांतिनाथ के और पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ जो है बकेला गांव में, जो हाफ नदिया की ओ पार है अर्थात दूसरी तरफ है, उस गांव में ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और ये मूर्तियाँ कैसी, ये मूर्तियाँ कलात्मक हैं। कलात्मक का तात्पर्य होता है कला से परिपूर्ण। तीरेच माँ बाबा डोंगरी नाव के ठौर माँ जैन मंदिर के द्वार शाखा रखाए है, जेखर मंझोत माँ महावीर स्वामी के मूर्ति है। महावीर स्वामी, हाँ जैन धर्म के लोग महावीर स्वामी को मानते हैं ना, हाँ तो निश्चित रूप से महावीर स्वामी की मूर्ति वहाँ प्राप्त होना यह बताता है कि वहाँ के लोग जैन धर्म को मानने वाले थे। पचराही हमर छत्तीसगढ़ के पुरातत्व के गौरव आए, आज एकर शोर दुनिया भर में उड़त है, सरलक खोदई ले और कतको जुन्ना जिनिस मिले ऐसे लगते, अर्थात अभी जितना खुदाई हुआ है इससे जितनी चीजें प्राप्त हुई हैं इनसे यहाँ के जो प्राचीन काल के विषय में जो जानकारियां हैं इसकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल रही है, और अगर कहीं यहाँ लगातार खुदाई किया जाता रहा तो निश्चित रूप से न जाने कितनी पुरानी चीज़ें यहाँ से प्राप्त होंगी, ऐसा हमें आज भी लगता है। निश्चित रूप से ये जो खुदाई किया जा रहा है ये खुदाई निरंतर और सतत चलते रहना चाहिए, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के इस पचराही के, न केवल पचराही के अपितु ये पचराही जो है छत्तीसगढ़ का गौरव है, इसलिए यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं या प्राप्त होंगी वे चीज़ें हमारे देश के, हमारे प्रदेश के गौरव को बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक शब्द आया है मंझोत, मंझोत का तात्पर्य होता है मध्य या केंद्र। प्यारे बच्चों, अभी हमने पचराही पाठ के माध्यम से छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक स्थल के विषय में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की हैं, और ऐसे ही और भी अन्य जो प्राचीन स्थल हैं इनके विषय में हमें जानने की प्रेरणा मिलती है इस पाठ को पढ़ने से। निश्चित रूप से हमारा प्रदेश ऐतिहासिक प्रदेश है,
प्राचीन काल से इसका अस्तित्व रहा है, यहाँ तरह तरह की कला संस्कृति समय समय पर पनपी हैं, इसकी भी जानकारियाँ हमें इस पाठ से प्राप्त होती हैं। आइए इस पाठ के आधार पर कुछ गृह कार्य के प्रश्न मैं आपको देना चाहूँगा, आप नोट करेंगे और अपने विषय शिक्षक से उत्तर लिखने के पश्चात इसका परीक्षण कराएंगे। तो प्रश्न लिखें। पहला प्रश्न है, पचराही के नाव पड़े के कारण बताओ। दूसरा प्रश्न है, पचराही माँ मिले अवशेष मन के संबंध कौन कौन धर्म ले है। तीसरा प्रश्न है, पचराही माँ मिले जीवाश्म के बारे में बताओ। चौथा प्रश्न है, कौन कौन ठौर ला छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति के आगास दिया कहे गे है। पांचवा प्रश्न है, पचराही के खोदई ले मिले जिनिस मन के सूची बनावा। तो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है और अपने विषय शिक्षक से इसका परीक्षण कराना है। साथ ही साथ बच्चों, जब हम इस पाठ को पढ़े हैं तो निश्चित रूप से पचराही एक स्थान विशेष में है, वैसे ही आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी पुरातत्व से संबंधित कोई ना कोई स्थल अवश्य है, उसके विषय में आप जानकारी प्राप्त करेंगे और उस अपने आसपास के जो पुरातात्विक स्थल हैं जहाँ से प्राचीन मूर्तियाँ मिली होंगी या प्राचीन चीज़ें मिली होंगी या कोई महल होगा या कोई खंडहर होगा, इसके विषय में आप अपने पालकों से चर्चा करके लिखेंगे और इस तरह से आप हमारे प्रदेश के अपने आसपास के कला संस्कृति की क्या स्थिति रही है इससे भी भली भांति परिचित हो पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। चलिए अंत में एक बार पुनः जय जोहार।